आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमको दुआएं दो जो तुम्हें बाप बना दिया। अरे क्या हुआ? अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आ गया है घर। ये तो हमें जन्म जन्मांतर के बंधन में बांध देगा। माँ बनकर कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? क्यों, माँ कभी बच्चे के बाप को भूल सकती है? शाबाश। अनिल चलो। अनिल ऐसे जल्दी से क्या है? थोड़ा धीरे से चलो प्लीज। अनिल तुझे डर लग रहा है? डॉक्टर। अनिल मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। डॉक्टर, रेनू की जिंदगी कोई खतरा? बिल्कुल नहीं। तो आपने ऑपरेशन क्यों किया? शी वाज प्रेग्नेंट, उसका उसका मिसकैरेज हो गया। आई एम सॉरी अनिल। एक बात और अनिल। नहीं कोई बात नहीं डॉक्टर, कोई बात नहीं। रेनू की जिंदगी भगवान ने बख्श दी, यही बहुत है। बच्चा तो कभी और भी हो सकता है। अनिल, रेनू अब जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती। अनिल, हर ओवरीज वर डैमेज्ड एंड दे हैड टू बी रिमूव्ड। रेनू, भगवान सबको सभी कुछ नहीं देता, वरना उसे याद कौन करेगा? उन्होंने हमें सब कुछ दिया है अनिल, हम उन्हें हमेशा याद भी करते हैं। बच्चा इस बार ना सही, फिर कभी। रेनू, और औलाद का सुख शायद। कोई बात नहीं अनिल, भगवान हमें फिर देंगे। रेनू, अब वो कभी नहीं देंगे। रेनू, तुम अब कभी मां नहीं बन सकती। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सच है। इतना बड़ा दुख तो वो सिर्फ अपने प्यारों को ही दे सकता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल, कहीं वो हमसे और कुछ ना छीन ले। अनिल, अनिल। रेनू,
अरे भाई कुछ नाश्ता वास्ता दोगे या नहीं, या भूखा ही ऑफिस भेज दोगे तुम? हाँ आई एम सॉरी अनिल। अरे नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, मैंने नाश्ता कर भी लिया है। अच्छा मैं चला। जिसे हमेशा सुख देना चाहता था उसके दुखों का कारण मैं ही बन गया। मौसी देख लें तो ऑफिस जाने का मूड नहीं है। करेक्ट। चलो कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? श्रीनगर, वहां से हम गुलमर्ग चलेंगे, स्कीइंग कर सकते हैं, अरे ट्राउट फिशिंग कर सकते हैं। अगर ऑफिस नहीं जाना है तो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे ऐसे भाग कहाँ? देखा, कर दी ना साड़ी खराब। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है अनिल। सुना सुना घर काटने को दौड़ता है और तुम तो बच्चा गोद लोगे नहीं। रेनू, रेनू, दीदी के हाथ से ने ऐसा गहरा दाग छोड़ा है कि बच्चा गोद लेना तो दरकिनार, सोचने से भी वहशत होती है। जानती हूँ, एक राह है। कौन सी? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? हाँ अनिल। अरे अरे फैंटास्टिक, क्या बात है, दूसरी शादी? ए, मेरे तो मजे हैं, एक नहीं दो दो। अरे वाह डार्लिंग, बीवी हो तो तुम्हारी जैसी। अब देखे कौन है, ज्योति की तो शादी हो गई और माला, चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। अरे लेकिन लेकिन तेरा क्या होगा कालिया? मेरा क्या होगा, मैं तो खुद ही कह रही हूं मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं। तुम्हारा कुल कैसे चलेगा? कुल नाश होता है तो हो जाए, जिंदगी की इस खुशी में मैं तुम्हारी सिवा और किसी को शामिल नहीं करूंगा। अनिल, 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 क्या है बाबा? तुम्हारा कुल चलेगा अनिल? वो कैसे?
हमारे बच्चा हो सकता है। हाँ हमारे भी बच्चा हो सकता है। वो कैसे? ये देखो। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या? वो क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, डॉक्टर पुरुष के स्पर्म को एक ट्यूब में डालकर फर्टिलाइज करते हैं। अच्छा, फिर? फिर वो एक औरत की कोख में डाल देते हैं। फिर बच्चा होता है और बच्चा उस पुरुष को दे देते हैं। और उसके लिए एक औरत चाहिए? हाँ, सो तो चाहिए। और एक डॉक्टर भी चाहिए? हाँ चाहिए। एक गवर्नमेंट लाइसेंस भी चाहिए? हाँ चाहिए। और एक न्यूज़पेपर चाहिए खबर छापने के लिए, किस्सा मुख्तसर कि सारी दुनिया को खबर मिल सकती है। और उस बच्चे का वही हाल होगा जो दीदी को हुआ था, है ना? तुम्हें टेस्ट ट्यूब नहीं चाहिए ना? ठीक है, ना सही। फिर? डॉक्टर की भी कोई जरूरत नहीं। फिर? तुम्हें यही डर है ना कि डॉक्टर और पेपर की वजह से सारी दुनिया को पता चल जाएगा? उसकी भी कोई फिक्र नहीं। फिर वो बच्चा होगा कैसे? सिर्फ उस अकेली औरत से। मतलब एक औरत जो इस तरह हमारा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो, हम उसकी को किराए पर ले लेंगे। तुम पागल हो गई हो? कौन औरत करेगी ऐसा काम? जिसे पैसे का लालच हो। क्यों, जब एक औरत एक रात के लिए अपने आप को बेच सकती है, वो एक साल के लिए भी बिक सकती है। और इसके लिए उसे जितना पैसा चाहिए हम देंगे। तुम एक औरत होकर ये कह सकती हो? मैं एक औरत हूं अनिल, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। मेरे अंदर एक माँ भी बसती है। ये वो कह रही है। अनिल प्लीज। तुम उस माँ से कह दो कि इस तरह मैं उसके बच्चे को बाप बनने को तैयार नहीं। मौसी, हमारे घर बेटा होता तो कुछ ऐसा ही करता ना। इसे फेंकता, इसे तोड़ता। लड़के होते ही शैतान हैं। लेकिन अगर लड़की होती तो तो गुड़ियों से खेलती, उन्हें बहुत प्यार करती। करती ना मौसी? देखो, देखा ये सब? मुन्ना ने सारी दीवारें खराब कर डाली है। हाँ, तुम तो उसे कुछ कहते भी नहीं, सर पे जो चढ़ा के रखा है। मालूम है
तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद दिन भर हंगामा करता रहता है, जीना मोहल कर रखा है, मेरी एक नहीं सुनता। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ बुला के लाओ ना उसे। भाग्य, हाँ नहीं आ रहा है, बुला रही हूँ तो भी नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं नहाया। रेनू, हाँ देर नहीं हो रही है, 8 बज गए। रेनू, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया मतलब? अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो मुझसे मेरे सपने क्यों छीन रहे हो? कुछ देर और मैं सपनों की दुनिया में रहती तो तुम्हारा क्या जाता? हा? और अगर तुम हमेशा के लिए उस दुनिया में रह गई तो मेरा क्या होगा रेनू? तुम्हें कुछ नहीं होगा अनिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा रेनू, तुम्हारा बच्चा होगा, जरूर होगा। क्या कहा? सच? मेरा सपना पूरा होगा। हाँ रेनू। अनिल। हाँ रेनू। अनिल, तुम जल्दी से कोई लड़की ढूंढ लाओ, उसे हम यहां से दूर कहीं ले चलेंगे। अच्छा। ऐसी लड़की ढूंढना जिसे सिर्फ पैसे का ही लालच हो। मैं पता करता हूँ, कोई कॉल कर मिल जाए तो। ना ना ना, बड़े लोगों में घूमने वाली लड़की नहीं होनी चाहिए। तो फिर कैसी हो? यहाँ से दूर की, गरीब हो, बहुत ही मामूली सी। हाँ कोई ग्राहक आया है। आओ। तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? इधर। शहर से बाहर। कितना दिन का वास्ता? साल डेढ़ साल के लिए। साल डेढ़ साल? हाँ। इधर का धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ? खाई कू? तुम चंदा को 1,00,000 रुपया देगा क्या? हाँ। इंग्रेजी जस्ती चढ़ा क्या है क्या? नहीं। तो फिर पागल है? नहीं। 1,00,000 रुपए का सूरत भी देखी है जिंदगी में? हाँ रोज देखता। चलो चलो रास्ता रापो, किसी और को शेंडी लगा ना, लाखों में खेलने वाला लोग ऐसा कोठों के चक्कर नहीं काटता है। चलो फूटो काली पीली। हरी जल्दी से नाश्ता कर ले, नहीं तो तेरे कान खींचूंगी। ये तुम स्मगलर है क्या? जरूर स्मगलर ही होएगा, दूसरा कौन गधा वेश्या के वास्ते 1,00,000 रुपया खर्ची करेगा? काम क्या है तुम्हारा, उधर का माल इधर करने का है? नहीं। या फिर पुलिस को चक्कर देने का है? काम जरा मुश्किल है। होंदियो की तभी मुश्किल, चंदा कर डालेगी। बच्चे को जन्म देना है। देगी क्या? हाँ बच्चे को जन्म देना है। बच्चे को जन्म देना है?
किसके? मेरे। अब उनको पहले ही मालूम था तुम पागल है। अरे अगर बच्चा ही चाहिए तो वेश्या के ऊपर लाख रुपया काहे को बर्बाद करता है, शादी बना डालो, कौन भी बीवी 1200 में मिल जाएगी। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी के औलाद नहीं हो सकती। तो अपन को भी नहीं हो सकती। अपन को मां बनने से एकदम नफरत है क्या? तुम्हें मां नहीं बनना है, सिर्फ बच्चे को जन्म देना है। मां तो बनेगी मेरी बीवी, हमें सिर्फ तुम्हारी कोख किराए पर चाहिए, जिसके लिए 20,000। अभी 20,000 गर्भ होने पर और बाकी डिलीवरी पर। चलो फुटो फुटो। सोच लो, लाख रुपया ठुकरा रही हो। ऐसे बच्चा पैदा करने से आप उनकी जवानी ढल जाएगी। और कितने रुपयों में तुम्हारी जवानी कायम रही? देखो सी, अपन का सारा धंधा ठप हो जाएगा, बंदे गिराक छूट जाएंगे, अपन की गुडविल भी खलास हो जाएगी। उसके और कितने होंगे? देखो सी, बच्चा जन्ने में कितनी तकलीफ होती तुमको नहीं मालूम। अरे भैंस भी तड़प उठती है, अपन तो औरत है। मुंह से तो बोलो और कितने पैसे चाहिए। पचास हजार दूंगा। कब चल सकती हो? बोलो किधर चलने का है? मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। आओ। छोड़ो। शंकर काका जी, ये हैं आपके साहब अनिल गुप्ता। नमस्ते। नमस्ते। और ये है छंदा, मिसेस अनिल गुप्ता, मेरी बहन। ए बस्ता खाली मत ठहरो, देखता नहीं नवा लिया ला। अंदर आओ छंदा, आप सामान लेके आइए। उठाओ। आओ। भाई तुम्हारे पास बहुत पैसे, भगवान की दया है, अंदर आओ। अने भगवान अमीर लोग पैसे देता है, साला गरीब की तरफ तो देखता ही नहीं। ये है तुम्हारा कमरा। ए, मेरी खोली पसंद आई ना? अरे भाई अपुन गरीब आदमी, अपुन का खोले में तो 24 कलाक पसीना और दारू के बास आती है, पर यहाँ तो एकदम फाइन। रेनु। यहाँ हूँ अनिल। बिटिया सामान कहाँ रखो? इसी कमरे में रख दो।
अनिल बाबू भी यहीं रहेंगे। जी। मिसेज रेनू गुप्ता, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? अरे सेठ, काय को नाटक करता है, आप इधर सोएगा तभी तो बच्चा होएगा, क्यों भाई? मगर इसे अपना नाम कैसे दिया? हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में बच्चे की माँ का नाम मिसेज गुप्ता होगा, तभी तो मेरा कहलाएगा। अरे सेठ, आपकी बाई तो बहुत शानी, आपकी दुनिया को चूना लगा सकती है। सुन लिया? रेनू, तुम मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है अनिल। लेकिन लेकिन इस दो टके की औरत के साथ हम कैसे निभा पाएंगे? उसे दो टके की औरत मत कहो। तो क्या कहूँ, रानी कहूँ, महारानी कहूँ? वो कहाँ से आई है ये भूल जाओ अनिल, सिर्फ इतना याद रखो वो कहाँ पहुंची है। खाना खुद पकाए, परोसे के भी खुद, तो हमें रखा किस लिए? ऊपर का काम करने के लिए नाना। हाँ हाँ, घर चलो। शुरू करो। इन नाफ़की ना, एक क्रिस्तान ग्राहक शिकायत था उनको, हर काम में बहुत टिप टॉप होता, हर महीना होटल में लेके जाते। बस खाना ही खाओ सर। नहीं लो, ये मटन है। हाँ, अपन को बहुत पसंद ना मटन। लाओ, मैं काटे देती हूँ। लाओ। हाँ डालो ना। बस बस, जास्ती नहीं मांगता अपन को। ये लो। थैंक यू। कंगन हीरे का है भाई। हाँ। मस्त है। आप उनको चाहिए। कितने का होएगा? कीमती है। कीमत का क्या बात है भाई, देखो आप उन इधर धंधा करने को आई है। हाँ, बच्चा होएगा तो चंदा के पैसे में से काट डालने का क्या? ये कंगन सिर्फ इस घर की सुहागन ही पहन सकती है। मेरी सास ने मुझे पहनाया था, मैं अपनी बहू को पहनाऊंगी। ए सेठ, बहुत ठंडी पड़ती है। गुड नाइट। रेनू, रेनू, ऐसे बहुत सर्दी पड़ती, अपन का खोले भी गरम करते। क्यों, तुम्हारे कमरे में आग नहीं जल रही? जलती तो है, पंसाली कम थी।
तुम सिगरेट नहीं पी सकती क्या? सिगरेट पड़वरता का है सेठ, बहुत महंगा है। ये लो पियो। बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा भी नहीं जाता, निभाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा भी नहीं जाता, निभाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तू रेनू, अब भी वक्त है, फिर सोच लो। जो कहता था मोहब्बत में वफा का देवता हो जा, ताजुब है वही कहता है जा मुझसे बेवफा हो जा। मगर अहदे वफा मुझसे भुलाया भी नहीं जाता, ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा भी नहीं जाता, निभाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने। मजबूरी खुदा तौबा, मेरे साकी ने मुझको दे दिया है जाम कुछ ऐसा, जो छोड़ा भी नहीं जाता, उठाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जो तोड़ा भी नहीं जाता, निभाया भी नहीं जाता। ये किस बंधन में उलझाया है तूने जिंदगी मुझको, जिंदगी मुझको। रेनू, रेनू कहाँ जा रही हो? सुनो तो रेनू।
कहाँ जा रही हो? जब तक मैं इस घर में हूँ तुम अपना वादा निभा नहीं सकोगे। ये क्या पागलपन है? ऐसे मेरी फिक्र ना करना। क्या मालूम क्या चक्कर है साला। चंदा, चंदा उधर मत जाओ। गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद राधे कृष्ण कृष्ण। नमस्कार शंकर काका। ऊपर के काम के लिए किसी और को रख लीजिए। क्यों, क्या हुआ? एक आप हैं कि देवी समान, और वो दूसरी हैं आपकी बहन। न मांग में सिंदूर भरती हैं, न गले में कोई सुहाग का चिन्ह है। बहु बेटियों जैसी कोई बात ही नहीं, और ऐसा तीखा बोलती है कि बस। लाडली है ना, जब माँ बनेगी खुद समझ जाएगी। अरे बिटिया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। ला, उसके लिए चाय मैं ले जाती हूँ।
कान्हा तो हाथ हटा, मुझे देखने तो दे, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बेटे देख रहे, दिखाओ दिखा बेटे, दर्द होती है। वो अपने आप को समझती क्या है? इसे डॉक्टर के पास ले चले, मामूली सी चोट है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। देखिए खून बह रहा है। उस बच्चे को पत्थर मारने की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? तुम औरत हो या डायन, तुम्हारे दिल में मोह ममता कुछ भी नहीं? नहीं, अपन माँ नहीं सला वेश्या है, और माँ शब्द से एकदम नफरत है अपन को। क्या है? खाली पीली भेजा चाटता है सर। अरे बोला ना चाय। कोई है कि नहीं साला घर पे? Thank you.
चलो अंदर। अरे छी छी छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने ऐसे नाच रही थी जैसे लोग क्या बोलेंगे। बोलने वाले को कौन रोक सकता है भाई? अरे नदी के मुंह पे ढक्कन डाल सकते हैं, बोलने वाले का मुंह पे नहीं। बोलते हैं तो बोलने दो साले। चुप रहो, कान खोलकर सुन लो छंदा। आइंदा तुम ऐसी बेहुदा हरकत नहीं करोगी, समझी? तुम भी कान खोलकर सुन लो भाई, अपन तुम्हारा गुलाम नहीं है। जो जी में आएगा करेगी, गरज तुम्हारा है छंदा की नहीं। क्या छंदा, अब तुम यहां आई हो, जहां रहते हैं वहां के कायदे अपनाते हैं। आप उनको मत सिखाओ भाई, आप उनका उधर सारा मोहल्ले का औरत छंदा से सीखने को आता है क्या? आप उनको सुधारने का कोशिश मत करो, अपन तुम्हारे इधर धंधा करने को आई है। पैसे लेगी चले जाएगी क्या? पैसा पैसा पैसा, पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए? दुनिया में रिश्ते नाते प्यार संबंध ये भी कोई चीज होती है, कभी सोचा है? रिश्तेदार साले चोर खाऊ हराम जादे सो। गाली मत बको, ये कोई कोठा नहीं, शरीफों का घर है। हाँ, शरीफों का घर है, तभी वेश्या को लाके रखा है घर में। साला अमीर क्या हुए, गरीब की इज्जत का तराजू हो गए। छंदा अपुन उधर ही ठीक है, कम से कम उधर अपना कोई किलास तो है। छंदा ने रात को खाना नहीं खाया, भूखी ही सो गई। उसे बुला लाओ ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कल उसने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। छंदा छंदा, छंदा।
फंदा। फंदा कमरे में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। क्या लगता है कहीं चली गई। अनिल उसे ढूंढ लाओ प्लीज। अरे चांद, शहर छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, अपना धंधा ही गंवा दिया। सिगरेट नहीं पी सकता क्या, कितनी बास आती है। ओए होए, बड़ी सेठानी बन गई, कल तक तो बीड़ी पीती थी, अब सिगरेट चाहिए। इलो बिलो यही है। अरे साली तुमको मालूम है, तुम्हारे सारे ग्राहक है ना, अब 14 नंबर को चले गए। रहीमन लाइन में एक नई लड़की लाई है, देखने में बहुत सुंदर है पर धंधा करना नहीं आता। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तो बाजार जाना ही छोड़ दिया। तुम कहां चली गई थी? ऐसे हवा पानी बदली करने को गई थी। हरामजादी, झूठ मत बोल। रहीमन ने मुझे बता दिया कि तू एक सेठ की रखेल बन गई है ना। तू तो कहती थी धंधे की मैं बहुत पक्की हूं, इसीलिए मेरी इज्जत। रखेल बन के तुझे मिलेगा क्या, एक खोली जो तेरी नहीं, दो वक्त की रोटी, वो तो मैं भी तुझे दे सकता था। ए, गाली मत दिया और कान खोल कर सुन ले। चंदा एक खोली और दो रोटी के वास्ते काम नहीं करती, पूरे 1.5 लाख रुपया दे रहा है वो मेरे को, तू दे सकता है? गाली पीली भंकस करता है। वो लाल वाला सिगरेट चाहिए। कौन सा? ये लाल वाला। ये वो, ये बहुत महंगा है, 1 रुपए का एक है। अक्खा पैकेट दियो। 18 रुपए का अक्खा पैकेट आएगा। 2 रुपया वापिस। ये क्या? ओए, किसका है? इतना कमाई नहीं होगा जितना पेट गिराने में लग जाएगा। काय को धंधा करती है? हेलो अनिल, चंदा मिल गई ना? जहन्नुम में गई तुम्हारी चंदा, तुमने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब भूख तो अपनी जिद का नतीजा, मैं वापस आने वाला नहीं। बिटिया, रात हो गई है, बाहर सर्दी भी है, अंदर आ जाओ।
कौन? कौन है? हाँ? चंदा? 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 चंदा तू आ गई? वहां क्यों खड़ी है? पगली? चंदा? पगली? अपनी बड़ी बहन की बात पर इतना गुस्सा? तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि हम पर क्या गुजरेगी? अनिल तेरे लिए कितना परेशान है, कहां कहां भटक रहा है। अरे तुझे तो सर्दी लग रही होगी, आ अंदर आ। शंकर काका। जी साहब। उस सूटकेस गाड़ी में डाल दो। जी साहब। हेलो। कॉल फ्रॉम मसूरी। हेलो। हाँ हेलो। हेलो रेनू। हाँ रेनू। रेनू मैंने बहुत कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चंदा का अभी तक कोई पता नहीं चला। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आते ही। अनिल, अनिल तुम जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? चंदा वापस आ गई है। क्या? हाँ वो वापस आ गई है। तुम कब आ रहे हो? मैं अभी अभी दिल्ली जा रहा हूँ, फिर कल की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। हाँ कल ही पहुंचूंगा। भाई सेठ कभी आएंगे? नहीं बताऊंगी। काय को? बाई नहीं, दीदी कहो। देखती क्या है, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी नहीं हूं क्या? दीदी कहो। दीदी? अपुन तो समझी थी आप डांटी देगी, पर आप तो अपुन ही पागल है जो इधर से चली गई। उधर से तो इधर जास्ती अच्छा है। अनिल से कोई काम है? अपन के कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा भाग पूरा हो गया, अपन के और पैसे निकलते अपन पेट से। तुम पेट से हो चंदा? चंदा 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 ध्यान मास्टर। अनिल जब छोटे से थे तो ससुर जी उन्हें किसी बारात पर ले गए, वहां उन्होंने एक बैंड देख लिया तो दिन रात टम टररम करते रहे और कहने लगे मुझे बैंड मास्टर ही बनना है। तो सेठ इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? पगली, बच्चे जो देखते हैं सुनते हैं वही बनना चाहते हैं, और फिर वक्त के साथ उनके इरादे बदलते रहते हैं। भाई? फिर दीदी सेठ छुटपन से इतने आकड़ू थे? आकड़ू? बड़े आकड़ू थे, लेकिन अब तो बहुत बदल गए। काय का बदल गए? ये
ये सारी फोटो इधर काय को लगाती दीदी? इसलिए कि अनिल दिन रात तुम्हारी नजरों में रहे। तुम जहां भी देखो, जिधर भी देखो, तुम्हें सिर्फ अनिल नजर आए। काय को? क्योंकि मैं चाहती हूं मेरा मुन्ना बिल्कुल अनिल जैसा हो। पर देखने से ऐसा होएगा? मुझे यकीन है जरूर होगा। दीदी दीदी सेट आ गए। अरे चंदा संभल के कहीं गिर मत जाना। आखिर तुमने अपनी असलियत दिखाई दी ना? क्यों, पैसे वालों को जबान नहीं होती? मैं गरीब हूं, जबान की पक्की हूं। अब कहां गई वो सब बातें? गंदी नाली के कीड़े, शुक्र मनाओ कि रेणु को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। चंदा, क्या कहा तुमने चंदा से? वो क्या समझती अपने आप को, ये कोई सराय है? जब जी चाह चले आए, जब जी चाह चले गए। अनिल, अब वो कहीं नहीं जाएगी। इतना भरोसा उस पे? कब से? संता हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? क्या सोच रही हो? संधा के बारे में। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अब किस लिए? तुमने जो चाहा वो तो हो गया। ये बात नहीं है अनिल, न जाने किस किसने उसे ठोकर मारी होगी, कितने जख्म होंगे उसके दिल पर। तो इस हालत में वो जो करेगी, जो सोचेगी, उसका असर होगा मेरे बच्चे पर। उसे अपनापन और हमदर्दी की सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे की खातिर यू हैव टू बी वेरी नाइस टू हर। चंदा, मैंने बैठो, आज कुछ ज्यादा ही डांट दिया ना? रेनू एक बार मां बनने वाली थी,
लेकिन एक हादसे में उसे गहरा जख्म पहुंचा। डॉक्टर ने कहा वो अब मां नहीं बन सकती। बच्चे की उसे बेहद चाह थी। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। लो सिगरेट पियो। छंदा मैं एक बात पूछ सकता हूं? मां लव सुनते ही तुम इतनी बिगड़ क्यों जाती हो? क्या करोगे जानकर से? यूं ही जानने को जी चाहा सो पूछ लिया। अपन बहुत छोटी थी जब अपना बाप मर गया। माँ एक दूसरे आदमी के साथ लफड़े में पड़ गई। उसको मेरी फिक्र किधर? छोटी बच्ची को बर्तन मानने पर लगा दिया और खुद अपने यार के साथ रहने लगी। जब जरा बड़ी हुई बाजार में बेच दिया। सगी माँ हाँ, फिर भी उसका मन नहीं भरा। दर महीना आके मौसी से मेरे कमीशन के पैसे खा जाती थी अपना यार का पेट भरने के वास्ते। ऐसी माँ से नफरत नहीं होगी तो क्या होगा साहब? हाय लगेंगी उसको मेरे, कीड़े पड़ेंगे साली को। नफरत है मेरे को मां लब से। छंदा आज बड़ी जल्दी उठ गई। अंदर आओ। अपन मैं आपकी मदद करूं दीदी? सामने बैठ के नाश्ता कर लो, मैं समझूंगी बहुत मदद कर दी। ये लो, ये पैसे अपने पास रख लो। ये क्या? ये तो तुम्हारे हैं। हाँ पन, अभी तो अपने काम नहीं आएगा ना, अभी तो इधर ही रहना है। कॉन्टैक्ट पूरा होगा तो एक साथ ले लेगी। वो सेठ नाश्ता नहीं करेंगे? जरूर। अनिल नाश्ता तैयार है। आया। कितनी बार कहा है ने घुमाया कीजिए, फिराया कीजिए, इनके लिए मोटापा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी को सुनता ही नहीं है। सुई, अरे बेटी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए कुछ जरूरी नहीं होगा, डरो मत बेटा। अनिल क्या बात है, क्या बात है, क्या हुआ? मेरे को बचा लो, ये लोग मेरे को सुई दे रहे हैं, मेरे को सुई नहीं चाहिए, मैं मानती हूं मैंने पाप किया। अरे बाबा कुछ नहीं होगा, चुप सर, घुमाओ। आइए डॉक्टर साहब, इंजेक्शन दीजिए। चंदा
चंदा हो गया। हाँ बस इतनी सी तो बात थी। मैं मरी नहीं? नहीं। अरे हाँ, हम तो सब स्वर्ग में बैठे हैं। चलो आज शाम को एक फिल्म देखने चलते हैं। कौन सी? कौन सी? दुल्हन वही, देखी है तुमने? मैंने तो नहीं देखी। गंदी पिक्चर है, मैं देखी है। अरे ना, ये लीजिए। लाइए शंकर काका, मुझे दीजिए। संभालिए। और वो टेप रिकॉर्डर जरा लाइए। अभी लाया। फिर आचार? खबरदार जो आचार को हाथ लगाया। अरे खाने भी दो ना इसे। क्यों खाने दूं? रात भर जो खांसती रहती है। तुम डॉक्टर हो क्या? डॉक्टर ना सही, लेकिन थानेदार तो है। बिल्कुल ठीक कहा। थानेदार? मैंने कौन सी थानेदारी की है तेरे साथ? आज तक तो मैंने ऐसी कोई बात की नहीं, लेकिन अगर तूने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं तेरे कान कतर डालूंगी। अरे सारी जिंदगी मेरा सर खाती आई, अब तुम्हारे कान कतरेगी। मुझे बेटा नहीं चाहिए चंदा, अगर लड़की हुई ना तो मैं 5,000 बोनस दूंगा। अनिल क्यों? अरे मुझे तो लड़की ही चाहिए। चंदा अगर बेटा हुआ मैं तुझे 10,000 दूंगी। अरे क्या, मैं 15,000 दूंगा। बस बस, लड़का ही होगा। लड़की का भी कोई जीवन होता है? अवश्य लड़का हो सकता है, अगर आप दोनों सुलखंडा देवी के मंदिर में जाकर पूजा करें और 7 बाल गोपालों को खाना खिलाएं तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। तब तो हम जरूर पूजा कराएंगे। अब अरे अरे भागो मत। काय को? कितनी बार समझाओ, गर्भवती हो। सुहागन हो? माँ के मंदिर आई हो? जी महाराज। और मांग में सिंदूर नहीं? भूल हो गई महाराज। ठहरो, मैं माँ का प्रसाद अभी लाता हूँ। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततम् नमः। ओम शरणागतीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देवी सिर पे पल्लू तो लो। ये माता का प्रसाद स्वीकार करो। सदा सौभाग्यवती भव, शतपुत्री भव। माँ तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करें। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्री च महागौरी च चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ॐ सोमाय स्वाहा, ॐ भौमाय स्वाहा, ॐ बुधाय स्वाहा, ॐ नवग्रहाय स्वाहा, ॐ शांति शांति सुख शांतिर्भवतु। खाना मत परोसो, पहले हरी को ढूंढ लाओ। अरे 6 बच्चे तो है, नहीं खिला देते हैं। अगर 7 बच्चे पूरे नहीं हुए तो पूजा अधूरी रह जाएगी। हाँ। आप खड़े खड़े मुंह क्या देखने जाइए। ये ले बेटा। उफ़ तुम भी बैठ गए, जाओ ना, देर हो रही है। चंदा तुम भी। यहाँ छिप के बैठा है, माँ सब खाने पर तेरी राह देख रहे हैं। मुझे नहीं खाना। देख 5 रुपए दूंगी। ये नहीं चाहिए। गलती हो गई, माफ कर दे, नहीं तो दीदी की पूजा अधूरी रह जाएगी।
बोलो भाई जय माता की। क्या खेल खेला तुम, वाह वाह। बोलो भाई जय माता की। जय माता की। बिल्कुल किशन लग रहा है ना। कान्हा बंसी बजा। मोतियों की माला
खेल कर कुलेल नंद जी का लाला, नाम का ही काला है वो, अरे नाम का ही काला है वो, रूप का उजाला। खेल खेल कर कुलेल नंद जी का लाला, खेल खेल कर कुलेल नंद जी का लाला, काना मैं कल ही जा रहा हूं। क्यों? कहीं देर ना हो जाए, अब मुझे जल्दी चले जाना ही चाहिए। मगर देर किस बात की? नहीं, मेरा मतलब है कहीं बिजनेस ना चौपट हो जाए, बिगड़ने से पहले ही चले जाऊं तो अच्छा है। रेनु, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार ये में। लो। अरे बाप रे, ये मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा मतलब खाना ही नहीं, मुझे भूख नहीं है। खाओ, भूख नहीं है। कब आ रहे हो? ज्यादा देर मत करना। नहीं, फैक्ट्री सब बंद कर देते हैं, बिजनेस भी वाइंड अप करते हैं। जैसे तुम्हारे बगैर कुछ चलता ही नहीं। जल्दी आ जाना। ओ, दीदी। क्या सोच रही हो? मुन्ना जब बड़ा होगा इसी स्कूल में जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कूल है ये। पगली, तुझमें एक नई जिंदगी ने जन्म लिया है। मेरा नन्ना अनिल जाग उठा। हेलो। 666-488। यस। कॉल फ्रॉम मसूरी। हाँ, हेलो हेलो रेनु। रेनु सब ठीक ठाक है ना? तुम कैसी हो? अरे चुप क्यों हो? चंदा ठीक है ना? चंदा को कुछ हुआ तो नहीं? जी मैं चंदा बोल रही हूँ। क्या, तो फिर रेनु कहाँ है? रेनु ठीक है ना? दीदी ठीक है, सो रही। तो फिर तुमने फोन क्यों किया? बस ऐसे ही जी।
चंदा चंदा मैं कल ही आ रहा हूं। अनिल 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 पता है क्या? The baby moved. क्या? हाँ I missed you अनिल। फ्लाइट कैसी रही? चंदा कैसी हो तुम? चंदा चंदा तो बिल्कुल घबरा गई थी। बैठो बैठो। ये लो तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूं। इसलिए? पढ़ने के लिए। मैं इनका क्या करूंगी? अपना आगाज सवार लोगी। तो कैसे? पढ़ लिख कर तुम कुछ भी कर सकती हो। नर्स बन सकती हो। अरे मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो रेनू पढ़ा देगी। जरूरत पड़े तो हम मास्टर भी रख सकते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या? बच्चा गोदी तो ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? हम आज तक दुनिया से यही कहते आए कि हम बच्चा गोद लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें ना मेरा ना रेनू का कोई अंश होगा। लेकिन ये झूठ है। हाँ सच तो ये है कि मेरे माता पिता की यहां बरसों औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया और उनके जीवन में उजाला हो गया। लेकिन उसके एक ही बरस बाद मैं बदकिस्मत पैदा हुआ। दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत पीटती भी थी, लेकिन मारने के बाद जो प्यार मुझे देती थी वो हम पर खूब हुक्म चलाती थी। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि वो मेरी सगी बहन नहीं, वो गुमसुम सी हो गई और जिद करने लगी कि वो अपने मां बाप के पास जाएंगी। अरे मां बाप होते तो ना, वो तो अनाथ आश्रम से लाई गई थी। एक रात दीदी घर से गायब हो गई। सुबह पिताजी उनकी लाश लेकर आए। हम उनके नहीं थे, वो गोद ली हुई थी। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। काश वो आज किसी भी रूप में मेरे सामने आए तो मैं उनसे पूछूं। मैं अपनी प्रार्थना बदलने आई। मैंने तुझसे बेटा मांगा था, लेकिन अब चाहती हूँ उनकी इच्छा पूरी हो, उन्हें बेटी देना। माँ तेरा बड़ा उपकार होगा। चंदा चंदा तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ से भीख मांगने आई थी। किस लिए? आपके मन की शांति के लिए। मेरे मन की शांति के लिए? मतलब?
बेटी ही आपकी दीदी का रूप ले सकती है ना? चंदा, तुम्हें डॉक्टर ने मना कर रखा है, फिर भी इतनी सीढ़ियां चढ़ के यहाँ क्यों आई? हाँ रेनू, ये प्रार्थना करने आई थी हमारी शांति के लिए। चलो चंदा। हाँ लिखो, फैट, एफ फ फैट मतलब मोटी। हाँ, एफ ए टी टी। हाँ ये लो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? लाओ लाओ, हाथ लाओ, लाओ पेंसिल पकड़ो। ये रहा टी। मुझसे नहीं लिखा जाता, पेट बीच में आता है। यार उसके ऊपर रख के लिखो ना। चलो, F A T फैट मतलब मोटी। हाँ लिखो। लो दवा पी लो। कड़वी है। अरे दवा तो कड़वी होती है, लो पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। अरे बच्चे की खातिर पीना बहुत जरूरी है। लो। नहीं तो चलो मेरी खातिर पी लो। पी लो। ठीक ही कहती हैं, मुन्ना इनके जैसे ही होने चाहिए। दीदी, मैंने मुन्ने के लिए नाम सोचा है, करण। मुन्ने का नाम मैं रखूंगी चंदा। सिगरेट पियोगे? क्यों? मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अनिल, मुझे अपनी बाहों में थाम लो। अनिल, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अनिल, अनिल। किस उलझन में उलझ गया हूं? अब यहां से कुछ दिनों के लिए चला ही जाऊं तो अच्छा है। क्या कर रही हो? आपके लिए नाश्ता बना रही हूं। नहीं, ऐसी हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। मैं रेनू को बुलाता हूं। उनको मत उठाइए, रात देर से सोई थी। मगर तुम काम मत करो, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। क्यों, आप मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं चाहते?
लम्हा फासले कम हुए जा रहे, लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। हैरानगी की बात है किसी के पास आके हम किसी के पास जा रहे। लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। ये कैसा मोड़ है लड़खड़ाए हैं कदम। पहलू में है एक और ख्याल में दूजा सनम। हैरानगी की बात है किसी में ख्वाब जगा के हम किसी का ख्वाब बना रहे। लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। कबूल हो रही सवाल है ये कौन सी। दुआ कबूल हो रही सवाल है ये कौन सी। एक खुशी है बोलती एक खुशी है मौन सी। किसी की दास्तान है किसी को हम सुना रहे। लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। हैरानगी की बात है किसी के पास आके हम किसी के पास जा रहे। लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। दिनेश, दिनेश,
बेटी ने चंदा मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मैं आपके पास लेट जाऊं? आओ ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग भी है, हमें सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए वी नीड योर रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट? आपकी इजाजत चाहिए ना। चंदा की कंडीशन बहुत सीरियस है। केस तो कॉम्प्लिकेटेड है डॉक्टर, कुछ भी हो हर हालत में चंदा को बचा लीजिएगा। वील डू आवर बेस्ट। दीदी मेरा ऑपरेशन मत करने दो, मैं मर जाएगी, मेरे को बचा लो। नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे पास। हे माँ, देवी माँ, मेरे को माफ कर दो, एक बार बच्चे की शक्ल देख लेने दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी आए करना। जी, जी, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं दीदी, मेरे को मालूम है कुछ ना कुछ तो होगा। मैं कहती हूँ दीदी, मेरे को माफ कर दो। चंदा ऐसा मत बोल, ऑपरेशन मत होने दो, ठीक हो जाएगा देखना। चंदा बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर जरा जरा ख्याल रखिएगा प्लीज। विल डू आवर बेस्ट। हुआ? लड़का हुआ है। हाँ? हाँ। सब ठीक है ना डॉक्टर? Everything is fine. खतरे की कोई बात तो नहीं? You got a son. डॉक्टर। ठीक हो ना तुम? लड़की हुई ना? नहीं, लड़का। इसमें उदास होने की क्या बात है? भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मैं पापी हूं ना इसलिए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? रेनू को तो लड़का ही चाहिए था ना। लेकिन आपको तो। तुम ठीक हो? ये क्या कम है मैं हमारे लिए? मैं बच्चे को देख सकती हूँ? क्यों नहीं? यस सर। नर्स, एक बार जरा बच्ची को ला सकती हैं? अभी भिजवाती हूं। हेलो।
ले। बिल्कुल आप जैसा। लेकिन आप तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। नहीं। अरे देखो 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 ना कैसे तुम्हें देखा है। रेनु राजा राजा बेटा हाँ कितना गोरा गोरा प्यारा प्यारा अरे अरे हंस रहा है कितना खुश है मेरे पास है नाने मेरा राजा बेटा क्यों जब से तू आया है मुझसे दूर दूर भागता है मैं तेरी माँ हूँ ना मेरा सपना मेरा राजा बेटा मेरा मुन्ना डॉक्टर डॉक्टर मैं नहीं चाहता वो बच्चे को अपना दूध पिलाए आपकी वाइफ को अपनी फिगर का इतना ख्याल है जी जी वो बात नहीं फिर क्या बात उसकी भलाई इसी में है कि वो बच्चे को अपना दूध ना पिलाए यस मिसेस गुप्ता बच्चे को दूध पिलाने के लिए अब तक क्यों नहीं लाई जी वो मिस्टर गुप्ता ने मना करवाया है क्या जी हाँ छंदा कैसी हो तुम बच्चे को दूध पिलाने से मना क्यों किया छंदा ये मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मेरे भले के लिए हाँ छंदा तुम जितना ही बच्चे के करीब जाओगी उतना ही मोह बढ़ेगा मतलब बिछड़ने में उतनी ही तकलीफ होगी क्या नाम है पेशेंट का समझ गई
मुझको नजर ना लगे। खिला खिला मुखड़ा चांद का टुकड़ा तुझको नजर ना लगे। खिला मुखड़ा चांद का टुकड़ा तुझको नजर ना लगे। शंकर काका आया। बिटिया
ओ ओ ओ हाँ जी नहीं 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 क्या हुआ बिटिया आप जरा इनके पास बैठिए मैं दूध बना लाती हूँ हाँ जी अभी आई शाबाश नहीं, चुप हो जा रोना नहीं हाँ भूख लगी है ना हाँ रोना नहीं बेटे चुप हो जा ला मुझे दे दे ना मेरा बेटा ना 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 मुन्ना ना मेरा बेटा नहीं शंकर काका क्या हुआ बेटिया मुन्ना कहाँ है शंकर काका मुन्ने को तो बहुरानी अंदर अपने कमरे में लेके गई हैं हाँ चंदा चंदा मुन्ना दूध पी चुका है और अब से मुन्ना बोतल का दूध नहीं पिएगा क्या मतलब मुन्ने के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा उसका फैसला मैं करूंगी चंदा क्योंकि मुन्ना मेरा है मैं उसकी मां हूं मैं मुन्ने को लेकर यहां से जा रही हूं मैं देखता हूं तुम मुन्ने को यहां से लेकर कैसे जाती हो देखती हूं कौन रोकता है मुझे अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं सारी दुनिया को जाकर बता दूंगी कि मुन्ना किसका है और कैसे हुआ उसके भविष्य के लिए वो जिल्लत भी हमें मंजूर होगी हमारी इज्जत मुन्ने के भविष्य से ज्यादा कीमती नहीं सुनो चंदा तुमने हमसे सौदा किया था हमने तुम्हारी कोख किराए पर ली थी अगर तुम मां या औरत बन गई तो यह गलती तुम्हारी है हमारी नहीं इसकी सजा तुम्हें ही भुगतनी होगी मुझे अकेली को क्यों आपको भी भुगतनी पड़ेगी
ये लो। मैं मुन्ने को बेच नहीं सकती। और तुम उसे ले जा भी नहीं सकती। मत भूलो, मुन्ना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है। मैं उसका बाप हूं। ये लो। मुझे मुन्ने को ले जाने दीजिए। भगवान का दिया हुआ आपके पास तो बहुत कुछ है। ये पैसे रख लो, तुम्हारे पास भी बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, नहीं। चंदा, रेनू को पहले बच्चा ना होने का दुख था, अब उसे बच्चा ना हासिल करने का क्लेश सारी जिंदगी रहेगा। उसके बारे में भी तो सोचो। मेरे बारे में भी तो सोचिए, मेरा क्या होगा? मुन्ने के बगैर मैं कैसे जीऊंगी? ये तो तुम्हें सौदा करने से पहले ही सोचना चाहिए था। सोचा तो था, जाना नहीं था कि मेरे अंदर भी छुपी हुई एक माँ है। दीदी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, उसे मुझसे मत छीनो। तुम भी औरत हो, तुम में भी माँ है। कम से कम तुम मेरी हालत पे दया करो। दीदी, मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मुन्ने के सिवा मेरा कोई नहीं है। उसे मेरे पास रहने दो दीदी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मत रो चंदा, मत रो। तुम दुनिया में अकेली नहीं हो, मुन्ना तुम्हारा है। हाँ, तुम उसे ले जा सकती हो। रेनू, मैं भूल गई थी अनिल, चंदा ही मुन्ने की माँ है। मैं तो, मेरे पास तो तुम हो, लेकिन सोचो तो उसका कौन है? चंदा, मुन्ने को लेकर कहीं दूर चली जाओ, वरना रास्ते पर भटकने वाला हर बच्चा हमें हमारा मुन्ना नजर आएगा। हम पागल हो जाएंगे चंदा, और इसे कभी मत बताना इसका पिता कौन है, नहीं तो वो हमसे उतनी ही नफरत करेगा जितनी तुम अपनी मां से करती हो। और फिर कहीं दीदी जैसा ना, नहीं नहीं, भगवान इसकी उम्र दराज करे। लो चंदा, लो लो, देखते क्या हो। लो, कोई अधिकार नहीं था किसी के जीवन से खेलने का। घर दिल कहे के ये कूचे ये नीलाम, घर दिल कहे के ये लुटते हुए कारवा, जिंदगी के कहाँ है मुहारे। बोलो मैम साहब।
इसमें दूध दे देना और एक चाय। अभी ला। गलियां ये बदनाम बाजार ये गुमनाम राही ये सिक्कों के झनकार ये इस्मत के सादे ये सौदों पे तकरार जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। चंदा अरे तू कितनी बदल गई है, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं। कहाँ रही इतने दिन, कहाँ जा रही है, क्या हुआ? तूने शादी कर ली है क्या? शादी नहीं, शादी तो नहीं की। अरे तू तो बड़ी होशियार थी, होने ही क्यों दिया इसे? और अगर हो ही गया था तो गिरा देना था इस साले हरामी को। ये हराम की औलाद नहीं है, इसके पिता हैं। अवश्य सूर्य देवता ही होंगे। इज्जत की कमाई तू और इज्जत की कमाई। चांदा की इज्जत सिर्फ बाजार में है, समाज में नहीं। चलो माना तुम इज्जत की कमाई कर लोगी, फिर मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगी। किसी कंपनी का मालिक ना सही, अफसर तो जरूर बनेगा। बन सकता है, क्यों नहीं। अफसर बनाने के लिए इसे पढ़ाओगी ना? जरूर। तो स्कूल जाएगा? जाएगा। स्कूल में इसका नाम भी दर्ज होगा? हाँ। जब बाप का नाम पूछेंगे तो क्या कहोगी? इसे कभी मत बताना इसका पिता कौन है। कह देना उसके बाप का नाम है पेनाम, वो मान जाएंगे। जब एक औरत खुद कह रही है कि उसके पति का नाम है बेनाम तो क्यों नहीं मानेंगे। फिर एक दिन ये तुमसे पूछेगा क्या नाम है मेरे बाप का, तो क्या जवाब दोगी? इससे भी कह देना तेरे बाप का नाम है पेनाम। ये क्यों नहीं मानेगा, जब उसकी मां खुद कह रही है वो जरूर मानेगा। लेकिन उस दिन क्या होगा जिस दिन ये बेनाम की मायने समझ जाएगा। नहीं तो वो हमसे उतनी ही नफरत करेगा जितनी तुम अपनी माँ से करती हो, और फिर कहीं दीदी जैसा। खोश बाबू तुम इसे अपना नाम दे दो। चांदा रखेल बन सकती बीवी नहीं। क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मुन्ना रो रहा है। तुम्हारे कानों में हर वक्त मुन्ने की आवाज गूंजती रहती है, अब भूल जाओ उसे।
अब हम एक पल इस घर में नहीं रहेंगे। चलने की तैयारी करो। दीदी, चंदा, तुम, दीदी, मुन्ना, मुन्ना तो ठीक है ना? हाँ, मुन्ना तो ठीक है दीदी, मैं अच्छा किया जो तू आ गई। चंदा, हमारा घर बहुत बड़ा है, तू भी हमारे साथ रह सकती है, जैसे हम पहले रहते थे। हाँ चंदा, ये ले, ये कंगन ले। क्यों, ये कंगन तुझे बहुत पसंद थे ना? ये कंगन सिर्फ इस घर की सुहागनें ही पहन सकती हैं, आप मुझे कैसे दे सकती हैं? ये तो आपके पास अमानत है, सिर्फ आपके मुन्ने की बहू पहने की नहीं। मेरा मुन्ना? हाँ दीदी, आपका मुन्ना मुझसे कहीं ज्यादा आपका है। तुम मुन्ने की माँ हो। मैं मुन्ने की माँ कैसे हो सकती हूँ? मैं तो इसे नाम तक नहीं दे सकती। इसे नाम की जरूरत भी क्या है? तुम्हारी बस्ती में तो कोई नाम या गांव पूछता ही नहीं। लेकिन ये उस बस्ती का तो नहीं है। तो फिर इसे ले क्यों गई थी? इसके प्यार में अंधी हो गई थी, मुन्ने का तो मैंने सोचा ही नहीं। जब ये बड़ा होगा, इसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा। दीदी से मुझसे बचा लो, वरना ये जीते जी मर जाएगा। इसे इसे मेरे साय से भी दूर रखना। तू इसे कैसे दूर रह सकती है चंदा? तू इसकी माँ है। नौ महीने मेरी कोख में पला, ये क्या कम है मेरे लिए? दीदी, तुम्हारा मुन्ना बहुत सुंदर है, कहीं से मेरी नजर न लग जाए। चंदा, मुझे जाने दे मुन्ना, मैं तेरी माँ नहीं हूं रे, तेरी माँ तो दीदी है। माँ का कहा मानना, पिता का सम्मान करना, अच्छा बच्चा बनना, चला कहाँ जाओगी? मेरी चिंता मत कीजिए, जहां मैं जा रही हूं वहां सुख के सिवा कुछ नहीं।
एक माँ का त्याग एक माँ का भाग जागे पीठ फेरे कृष्ण कहीं कहीं आगे आगे आंसुओं की माला आंसुओं की माला कहीं मोतियों की माला खेल खेल कर कुलेल नंद जी का लाला खेल खेल कर कुलेल नंद जी का लाला।